बिहार से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि एनडीए की बैठक 18 तारीख को रखी गई है। भाजपा के तरफ से बिहार के उन नेताओं को नहीं बुलाया गया है जो महागठबंधन से संबंध तोड़कर भाजपा की ओर रुख अपनाया और भाजपा के द्वारा जेड प्लस की सुरक्षा भी दी गई, लेकिन एनडीए की बैठक में नहीं बुलाया जाना आखिर किस संकेत की ओर इशारा करता है यह समझना बड़ा मुश्किल है। मैं बताऊं आपको कि 17-18 तारीख को बेंगलुरु में विपक्षियों की महाबैठक है और 18 तारीख को एनडीए की बैठक है जिसमें एनडीए के घटक दलों को बुलाया गया है भाजपा की ओर से, लेकिन इस बैठक में बिहार के जाने माने चेहरा और महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर अलग होने वाले वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को इस बैठक में अब तक न्योता नहीं भेजा गया। क्या इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है, चूंकि न विधायक इनके पास है न सांसद हैं और न इनकी उतनी ताकत है कि एनडीए के बैठक में शामिल किया जाए, चुनाव के वक्त जो चर्चा है कि एकाध सीट दे दी जाएगी और इनके जाति की वोट भाजपा अपने पाले में करेगी, चूंकि ये एनडीए के हिस्सेदार नहीं है वर्तमान में, एनडीए के बैठक में शामिल होने लायक नहीं है, या अब तक भारतीय जनता पार्टी को मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा पर पूर्ण रूपेण भरोसा नहीं हुआ है। यह तय करना होगा भाजपा को कि क्या भाजपा के लॉयल हैं उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी। जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा को छोड़ा, जिस तरह मुकेश सहनी ने भाजपा से आंख में आंख मिलाकर दूरी बनाई फिर जाकर सट गए, तो क्या कहा जा सकता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा मुकेश सहनी को तरजीह दी जाएगी। अगर तरजीह दी जाती तो एनडीए के बैठक में बुलाया जाता। एनडीए के बैठक में नहीं बुलाए जाने का मतलब सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रही है यह लगाया जा सकता है कि इन लोगों को भाजपा चुनाव के वक्त में सटाएगी, एकाध सीट देगी लड़ने के लिए और इनके जाति का कुशवाहा और निषाद के वोट को अपने पाले में करेगी, इसीलिए इन दो लोगों को रखा गया है। लेकिन इन दोनों को उस लायक नहीं समझा गया कि एनडीए के बैठक में शामिल हो, चूंकि वर्तमान में न इनके पास विधायक है न सांसद हैं, ये चलते फिरते नेता हैं जिनके जाति के वोट को ज्यादा से ज्यादा समेटने का व्यू और पॉइंट भाजपा का है, इसलिए अब तक न्योता नहीं है। अब देखना यह है कि क्या आगे निकलकर सामने आता है। जो भी आएगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमेशा खबर बिहार 24 देखते रहें। धन्यवाद।